हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम पास्ट की बात करते हैं और संभावना की बात करते हैं। जैसे अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो गया होता, ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, इस तरह से हम बातें करते हैं तो फिर हम उसका इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यही सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैंने लिख के रखा है अगर ऐसा होता तो वैसा होता, मीन्स अगर तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें वो बुक देता। दूसरा सेंटेंस है अगर तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हें बुक दिया होता। ठीक है, अगर तुम मुझसे मिले तो मैं तुम्हें बुक दूंगा। इन तीनों सेंटेंस में सिमिलरिटी लगती है ना, बट बनेगा अलग अलग तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इन दो सेंटेंसेस को हम अक्सर बोलचाल में एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट ये बिल्कुल अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके बनाते हुए समझते हैं कि किस तरह से तीनों सेंटेंस अलग अलग है और किस तरह से तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें वो बुक देता। इफ, यहां पर हम सबसे पहले इफ का इस्तेमाल करेंगे अगर के लिए। इफ यू मेट मी, जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इफ यू मेट मी आई वुड गिव यू दैट बुक। इफ यू मेट मी आई वुड गिव यू दैट बुक। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, अगर तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें वो बुक देता। अब इस सेंटेंस में है अगर तुम मुझसे मिले होते, अगर तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हें बुक दिया होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका इस्तेमाल, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे हम इस सेंटेंस में। तो इफ यू हैड मेट मी I would have given you that book. Okay friends, if you had met me, I would have given you that book. यहां पर हम past perfect का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सेंटेंस में भी would के बाद have और V3 का इस्तेमाल होगा। यही मेकिंग फॉर्मूला है इसका। इसमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए, फिर इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर तुम मुझसे मिले तो मैं वो तुम्हें बुक दूंगा। या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं वो तुम्हें बुक दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे बात करेंगे, मीन्स ये जो हम बातें कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, तो इसको हम बनाएंगे भी फ्यूचर में। बट फर्स्ट सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनेगा। अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं वो तुम्हें बुक दूंगा, या अगर तुम मुझसे मिले तो मैं वो तुम्हें बुक दूंगा, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बात करेंगे, बनाएंगे, और वो सेकंड सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से। जैसे इफ यू मीट मी आई विल गिव यू दैट बुक। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ये तीनों सेंटेंस में डिफरेंसेस हैं और तीनों को, इन तीनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं अभी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो हम कुछ और सेंटेंसेस लेकर उसको बनाकर देखते हैं, फिर आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेस लेकर बनाते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं मुंबई गया होता, अगर मैं मुंबई गया होता तो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाता। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें गया होता, अगर मैं मुंबई गया होता तो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया होता, ये दूसरा टाइप का सेंटेंस है ये, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं मुंबई गया होता, इफ आई हैड गोन टू मुंबई, तो मैं तुम्हारे लिए खिलौने ले आया होता, तो आई वुड हैव ब्राउट यू ट्वाइस। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं मुंबई जाता तो तुम्हारे लिए खिलौने लाता, तो इफ आई वेंट टू मुंबई आई वुड ब्रिंग यू टॉयज। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, तो इफ आई गो टू मुंबई आई विल ब्रिंग यू टॉयज। ओके फ्रेंड्स, अगर तुम मेरे पास आते तो इंग्लिश सीख जाते, ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट वाला सेंटेंस है। अगर तुम मेरे पास आते तो इंग्लिश सीख जाते, इफ यू केम टू मी यू वुड लर्न इंग्लिश। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम मेरे पास आए होते तो इंग्लिश सीख गए होते, इफ यू हैड कम टू मी यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर तुम मेरे पास आए तो तुम इंग्लिश सीख जाओगे, या अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम इंग्लिश सीख जाओगे, इफ यू कम टू मी यू विल लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को, जो 3 types ऑफ सेंटेंसेस मैंने जो लिखा था उसमें क्या डिफरेंसेस थे, वो आपको समझ में आ गया होगा और किस तरीके से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।